Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Amifru 40 mg tablet. A tablet Amifru 40 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एमिफ्रू 40 एमजी टैबलेट। फ्रेंड्स, एमिफ्रू 40 एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल एक्सेसिव वाटर को हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए किया जाता है। अगर हमारे बॉडी में एक्सेसिव वाटर है, फ्लूड है, बढ़ गया, ठीक है, तो उसे रिमूव करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन डायबिटिक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर से बात, हमने स्टम का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सर, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डायबिटिक्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, डायबिटिक्स कैटेगरी कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन जो एक्सेसिव फ्लूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करे। कि हमारे बॉडी में एक्सेसिव फ्लूड हो गया, ठीक है, या एक्सेसिव वाटर हो गया, तो उसको जो रिमूव करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को क्या बोलते हैं, डायबिटिक्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायबिटिक्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डायबिटिक्स का मतलब क्या था। सिंपली समझे, डायबिटिक्स का मतलब था रिमूव एक्सेसिव या एक्स्ट्रा वाटर या फ्लूड फ्रॉम आर बॉडी। कि हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर या एक्सेसिव फ्लूड को बाहर निकालने का जो काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को डायबिटिक्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना हर एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सहजता भरी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी होती है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को, मतलब एमिफ्रू को, टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी प्रचलित, काफ़ी हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाई टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 15 रुपये से लेके 20 रुपये के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होते रहता, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आएगी कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं एमिफ्रू 40, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। पहला है, नंबर वन है फ्यूरोसेमाइड, 40 मिलीग्राम पाता है, और दूसरा है एमिलोराइड, इसमें पाया जाता है 5 मिलीग्राम पाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, एडिमा को ठीक करने का काम करता है, स्वेलिंग को ठीक करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छा से समझ में आ गया, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डेज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल स्वेलिंग। कि अगर किसी का बॉडी में जनरल स्वेलिंग है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा। कि अगर किसी को एडिमा है, जैसे ये जो हाथ है, इस समय स्वेलिंग, हाथ में, पाँव में समय स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, फेस में स्वेलिंग हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड एडिमा। एडिमा का मतलब एक तरह का स्वेलिंग, ठीक है, बॉडी में फ्लूड का बढ़ जाना, वाटर का बढ़ जाना, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं।
फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। हाइपरटेंशन कहने का अर्थ होता है हाई बीपी, कि एडिमा के कारण बॉडी में अगर फ्लूड रहेगा तो उसके कारण बीपी क्या होता है, हाई होता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है समझिए कि एडिमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। और वो एडिमा जनरल स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा भी स्वेलिंग हो सकता है, पूरे बॉडी में फ्लूड भरा हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब एडिमा के कारण जो जो दिक्कतें होती है उसको ठीक करने ऑलमोस्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे समझ, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, जनरल स्वेलिंग, एडिमा, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इतने जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन है, ठीक है, कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा एकदम सरल शब्दों में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके दो मोलिक्यूल्स होते हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नंबर वन इसमें फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर या फ्लूड फ्रॉम आवर बॉडी। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर या फ्लूड है उसको बाहर निकालने का काम करता है थ्रू यूरिन, कहाँ, पेशाब के माध्यम से निकालने का काम करता है। और दूसरा इसमें अमीलोराइड, अमीलोराइड क्या करता है, ट्रीट हाइपरटेंशन अलॉन्ग विथ कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर। ये क्या करता है कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को भी होता है उसको भी ट्रीट करने का काम करता है, और साथ ही साथ बीपी को भी ट्रीट करता है, अगर बीपी किसी का ज़्यादा भरा हो तो उसको नॉर्मल करने का काम करता है, और साथ में जो हार्ट की जो फंक्शन होती है उसको ये स्मूथ करता है, उसको ये सही करता है। तो ये दो काम करता है अमीलोराइड, तो क्या करता है बीपी को मेंटेन करके रखेगा, ट्रीट करेगा हाई बीपी को, और साथ ही साथ हार्ट फेलियर नहीं होने देगा, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को बचाने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, दोनों इस तरीके से मिलकर काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में है माँ बनने वाली उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीड मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है स्तनपान कराती है उसको भी आपको नहीं देना। फिर द लिवर डी और किडनी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फिर चलिए अब बात करना साइड इफेक्ट के बारे में। जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को जनरली मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर वन नोजिया, आपका जी मिचला, फिर वॉमिटिंग हो सके, आपको उल्टी भी हो सकता है। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल हो पानी की तरह पतला हो जाए, बहुत गंदा स्मेल देगा। फिर वीकनेस, आपको कमजोरी टाइप का फील होगा, महसूस होगा। फिर लो बीपी या डिक्रीज बीपी, इस मेडिसिन को जैसे लेंगे वो अचानक से बीपी को डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। फिर कहते हैं डिक्रीज सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, और कैल्शियम इन योर ब्लड। ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में जैसे इस मेडिसिन को लेते थे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करता है, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का लेवल क्या करता है ब्लड में, ये कम कर देता है कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि फ्यूरोसेमाइड जो होता है ये क्या करता है पेशाब के माध्यम से क्या करता है एक्स्ट्रा वाटर को निकालता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट को भी निकाल देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इस कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर कहते हैं वीकनेस, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है, इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, ठीक है, आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो डोज मैं बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, हाफ टैबलेट ओडी एट 6 AM, यह क्या करना है कि सुबह में 6 बजे, ठीक है, हाफ टैबलेट, आधा टैबलेट ही ले शुरुआत करें, ठीक है, ले लेना है आपको कुछ नाश्ता करके, ठीक है, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ते चली जाती है, ठीक है, दिन भर आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि पेशाब के माध्यम से ये क्या करेगा फ्लूड को बाहर निकालेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। एक और चीज़ बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो मेडिसिन है ज़्यादातर जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं,
सकते हैं, ये जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अब स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि एमिफ्रू 40 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।